देखिए, जीतना तो किसी ने है, हार जीत चलती रहती है। और इसमें क्या है कि आपकी कम से कम ये जो थ्री टायर डेमोक्रेसी की जो लायर है, मीन्स आपका सरपंच रहता है, उसके बाद आपके बीडीसी वाले रहते हैं, फिर डीडीसी रहेगा, तो एक इससे आपका जो ब्यूरोक्रेसी का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कम से कम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर पंचायत तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आएगी और लोगों के काम होंगे। तो जीतना हारना अलग सवाल है। हमारे तो हमने तो पहले मुबारकबाद सब कैंडिडेट्स को दे दिया जो भी मैदान में जा रहे हैं, चाहे हमारे हैं चाहे किसी और पार्टी के हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप तो ज़रूर बनेगा। देखिए, एक चीज़ है कि कम से कम आपका जो डेमोक्रेटिक मामला है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाए। उसके साथ भी हमने ये भी डिमांड रखी कि आपका जो स्टेटहुड है वो वापस मिले। और जैसे अभी आर्टिकल 370 के ऊपर कुछ कहना, मामला क्योंकि कोर्ट में है तो कुछ कहना गलत होगा, और मैं हम नहीं मानते। ये झूठ है लोगों को कहना कि लोगों को धोखा देना कि हम लोग आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहां तक जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि स्टेटहुड वापस ज़रूर मिलेगा। हमने बिहार के अंदर जो अच्छी मेजॉरिटी हासिल की वहां पर हमने सरकार बनाई, लेकिन सच्चाई के ऊपर हमने लोगों को झूठ नहीं बोला। लेकिन कुछ लोगों की यहां पर फितरत है, आदत है कि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, जो सही नहीं है। लोगों को गुमराह करना, 47 से लेकर आज तक लोगों को गुमराह किया गया। और फिर अगेन आप एक तरफ से आपका जो है मिनिमम 1000 पुलिसमैन प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्स सीएम को, कोई भी एक्स चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, 1000 से कम सिक्योरिटी उसकी नहीं लगी है। ITBP आपकी सिक्योरिटी लगी है, CRPF आपकी सिक्योरिटी लगी है। यहां से आप पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो तो जायज नहीं बनती, लॉजिक नहीं बनता। आर्टिकल ये आपका असफा इन लोगों ने लाया, पोटा इन लोगों ने लाया, आसिया नीलोफर के केस जो है इनकी सरकारों में गई, तुफेल मतू इनके सरकार में जो है डेथ हुई। आज किसको ये समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी देर आप लोगों को झूठ बोलोगे, झूठ पे झूठ। एक आदमी इनका ऐसा भी है जिसने पार्लियामेंट के अंदर बोला, वहाँ दिल्ली में बोला NDA इसका आज तक के इंडिया टुडे के शो में कि मोदी इज माई गॉड, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ से आपका जुनाब जो है कि ये आप गुपकार अलायंस में, तीसरी तरफ से आप बेटी को उठाते हो इलेक्शन में, सॉरी बीवी को इलेक्शन में उठाते हो वागुरा से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये झूठ की जो इनकी लकीरें हैं ये खत्म नहीं हो रही है, कहीं पर भी नजर नहीं हो रहा। देखिए, इन्होंने दो दो तीन दिन कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में उठाई। अगर आप देखिए यहाँ पर रावलपुरा में इन्होंने दो कैंडिडेट उठा लिए, तो क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि हमने गुपकार अलायंस किया, हम एक आदमी उठा रहे हो, तो व्हाई टू टेल लाइक। इन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड लिस्ट भी तीन दिन पहले इन्होंने एक जारी किया, उसमें ऑन द रिकॉर्ड जो है इनकी काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो दो पार्टीज, NC का भी कैंडिडेट है, PDP का, सिंबल दोनों पार्टीज के लिए इन्होंने मांगा। डिफरेंस तो कुछ नहीं है। किन की डिफरेंस? वो तो कागज में नजर आ रहा है, वो तो मैंडेट्स के ऊपर नजर आ रहा है। आप देखिए वहां पर रावलपुरा का जो मैंडेट दिया है MC के लिए, उसमें क्या दो कैंडिडेट्स नहीं है NC और PDP के? तो ये मेरा ये मानना है कि देखिए, खुदा के लिए लोगों को झूठ बोलना बंद करो। JDU इज द पार्ट ऑफ NDA, वी नेवर डिनाई, हम सच बोलते हैं। लेकिन JDU इज द ओनली पार्टी जिसने आर्टिकल 370 क्लियर होना रोया, जिसने पार्लियामेंट के अंदर हमारे 25 मेंबर ने राज्यसभा से लेकर आपका जो पार्लियामेंट तक जिन्होंने बायकॉट किया। वी आर द ओनली पार्टी जिसने आफ्टर आर्टिकल 370 मुझे धमकी आई दिल्ली से, मुझे अपने साथियों ने कहा आपको बंद करेंगे, आपको वो करेंगे। यार जो सच था वो हमने तब भी कहा कि आर्टिकल 370 को तोड़ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए ठीक। बात गई है उसके ऊपर, बात क्या करना, हम उसको किसी तरीके से नहीं जोड़ रहे। हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 बिल्कुल नहीं आएगा, हमने छोड़ दिया है उसके ऊपर सोचना। आप क्या चाहते हैं? हम स्टेटहुड वापस मिले, जैसे ऑन द फ्लोर देश के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। लैंड एक्ट है वो तो कहीं पास नहीं, वो तो हो सकता है। मैं अगर आपका कोई भी ओपन फॉर लैंड है, मैं बताता हूँ स्टेटहुड वापस मिलता है तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूर आप लागू कर सकते हो। वंस यूर असेंबली विल बी टेक स्टैंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या इलेक्शन होने चाहिए? हमारा ये स्टैंड है कि असेंबली इलेक्शन करें। देखिए अल्टीमेटली पिछले इलेक्शन पिछले सकते हैं जब इसमें प्रॉब्लम नहीं है और यही लोग ये क्यों नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूँ कि हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो। आपको पता हो
जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, एक साल से यहां पर एक टूरिस्ट नहीं आया, यहां पर कोई कारोबार नहीं हो रहा। अगर आप श्रीनगर म्युनिसिपल एरियाज की बात करूं, आप देखिए लोग जो है फाका कशी कर रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका लेबर नहीं है, आपका इंडस्ट्रीज नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। फिर तो लोगों के लिए आप एनडीए के पार्ट है, आपने टेकअप किया ये मामले की, हम लड़ेंगे यहाँ पर कितना, हम वी आर द ओनली पार्टी। और याद रखिए मेरी बात, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलना मुझे आता नहीं है। याद रखिए मेरी बात, हमारे सिवा किसी की बात दिल्ली वाले नहीं मानेंगे। ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, झूठ पे झूठ, झूठ की फैक्ट्री है भाई। इन्हीं लोगों ने कहा कि इन्हीं लोगों ने मोदी क्या इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की, क्या इन लोगों ने नहीं कहा कि मोदी इज अवर गॉड, क्या वो इनके लीडर नहीं थे? मैं बता रहा हूं कि ये झूठ की फैक्ट्री है। और पब्लिक से भी देखिए, आज भी पब्लिक को गुमराह, अभी भी तक भी इन्होंने तौबा नहीं किया। यहां से जो आदमी जेल में जाता है वहां से मौलाना बन के निकलता है, लेकिन ये लोग तो बूढ़े के कोई किसी ने मतलब दाढ़ी भी रखी इन लोगों ने जेल के अंदर, तो मुझे लगा कि शायद दाढ़ी लंबी रखी, कुछ कलिमात हासिल की हो। तो किन की बात है आप कर?